नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जी दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कह दिया कि अब दुखों का हो जाएगा अंत, परंतु चार बातों को ध्यान से सुनना पड़ेगा। जी दोस्तों, आने वाले 2 से 4 दिनों के अंदर आप शिव के जुनकाल में बहुत ही अच्छी ग्रहों की स्थिति बनने वाली है। और दोस्तों इसके साथ अगर आप यह चार बातों को ध्यान में रख देंगे तो दोस्तों जुनकाल की जो सफलता आपके नसीब में है, जो आपकी किस्मत में लिखा है दोस्तों, वो आपको तो मिलेगा ही। साथ ही आपके जुनकाल में जो लगातार कई दिनों से बुराई चल रही है, जो दुख चल रहे, जो संकट से, जो परेशानियों से आप जूझ रहे हैं दोस्तों, उनसे भी आपको छुटकारा मिल जाएगा, इस बात की दावा है। तो दोस्तों हमारा आप सभी से विनम्र निवेदन रहेगा कि आज की इस खास वीडियो को आप हमारे साथ अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों इसमें हम जो भी जानकारी आपको देने वाले हैं, जो बात आपको समझाने वाले हैं दोस्तों, आजीवन आप सभी के लिए बहुत ज्यादा कारगर सिद्ध होंगे। और जीवनकाल की आपकी जो परेशानियां हैं धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी, बशर्ते दोस्तों आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। दोस्तों इस वीडियो में हम आपके जुनकाल की हर एक वह महत्वपूर्ण जानकारी देंगे जो कि दोस्तों आने वाले 2 से 4 दिनों में आपको शुभ अपनाने हैं, आपको शुभ ध्यान में रखना है। और दोस्तों देखेंगे कि आपका जीवन धीरे धीरे बदलता जाएगा। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों ये चीज आपके लिए, आपके जीवन के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जैसे कि दोस्तों अगर हमें अपने जुनकाल में प्रेम का सुख लेना है तो उसके साथ सम्मान को भी जोड़ना होगा। अलबत्ता प्रेम अगर सम्मान से जन्म लेता है तो वह हमेशा अपनी तीव्रता में कायम रहेगा। बिना सम्मान के प्रेम बहुत ही अस्थिर हो जाता है। कैसे कैसे प्रेम विवाह भी कुछ ही महीने के बाद टूट जाते हैं। क्यों होता है ऐसा? दिन रात एक साथ रहने से एक दूसरे के व्यक्तित्व की खामियां नजर आने लगती है और एक दूसरे के प्रति सम्मान कम हो जाता है और यही प्रेम को बहुत अस्थिर बना देता है। बिना सम्मान के प्रेम को नफरत में तब्दील होने में देर नहीं लगती। याद रखें, प्रेम बढ़ाने के लिए एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव रखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। जय दोस्तों, इसी प्रकार आपको भी अपने जीवन काल में आगे बढ़ने के लिए दोस्तों ये चार बातों को ध्यान में रखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होंगे। जी दोस्तों, तभी दोस्तों आप अपने जीवन काल में आगे बढ़ने के साथ साथ सफलताओं को भी अर्जित करते जाएंगे। अन्यथा दोस्तों जीवन काल में हर एक इंसान आता है और हर एक इंसान जीवन शैली में अपना जीवन यापन करता है, लेकिन दोस्तों वह ऊंचाइयों को छू नहीं पाते क्योंकि दोस्तों उन्हें पता नहीं होता है कि जीवन काल में कौन से समय में किसे कार्य करने चाहिए, कौन से कार्य हमारे लिए सही है। जी दोस्तों, तो दोस्तों आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास बना है, इन्हें अंत तक देखिएगा। उससे पहले दोस्तों जो भी भगवान श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं दोस्तों, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय श्री कृष्ण भगवान का नाम लिख दें। दोस्तों भगवान श्री कृष्ण अपने ज्ञान से आप सभी को विभूत कराकर जीवन काल में आपको नहीं राह देंगे, खुशियां देंगे। और यह चीज हम भगवान श्री कृष्ण से भी प्रार्थना करेंगे। जय दोस्तों, तो लाइक जरूर करें। साथ दोस्तों और ऐसी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। तो आइए दोस्तों बात करते हैं, शुरुआत करते हैं भगवान श्री कृष्ण के एक बहुत ही अच्छे ज्ञान से। दोस्तों भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि समय के महत्व को दिखाने के लिए कई बार हम उसकी तुलना गोल्ड यानी सोने से करते हैं, लेकिन समय के सामने सोने का कुछ भी मूल्य नहीं। समय ही तो जीवन है, हमारा जीवन समय से ही बना हुआ है। अपना समय हमने कितना बेहतर गुजारा, उसका कैसे इस्तेमाल किया, समान और विश्व का कितना कल्याण कर पाए, इन बातों से हमारे जीवन का मूल्य निर्धारित होता है। समय के सदुपयोग के लिए जरूरी है कि हमारा स्वास्थ्य बेहतर रहे। वस्तुतः एक स्वस्थ, क्रियाशील और समाज कल्याण में लगे व्यक्ति का समय गोल्ड से कहीं ज्यादा कीमती होता है। यानी कि दोस्तों जीवन काल में जो भी कार्य करें, सबसे पहले अपने स्वास्थ्य को सही रखें, क्योंकि स्वास्थ्य सही रहेगा तो दोस्तों सोचने की क्षमता में भी आपकी वृद्धि होगी और अच्छी चीज़ों को आप सोच पाएंगे। तो दोस्तों भगवान श्री कृष्ण का यह ज्ञान अगर आपको अच्छा लगा हो, समझ में आई हो, तो दोस्तों वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और इनके लिए कमेंट बॉक्स में लिख दें जय श्री कृष्ण राधे राधे। तो आइए दोस्तों इसी के साथ बात करते हैं कि आने वाले 2 से 4 दिनों के अंदर आखिर ग्रहों की कैसी स्थिति होगी।
इनमें आपको कौन सी बातों का विशेष ध्यान रखना होगा, कौन सी सावधानी रखनी होगी, आपका लव लाइफ कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, करियर और पारिवारिक जीवन सभी के बारे में विस्तार से बात करेंगे। साथ ही दोस्तों एक ऐसे उपाय के बारे में बात करेंगे जो कि चार दिनों में आपके जीवन काल में आपका बहुत ही बड़ा मंत्र साबित होगा। तो दोस्तों सभी बातें बहुत ही महत्वपूर्ण है, इन्हें आप अंत तक देखिएगा। तो आइए दोस्तों वीडियो को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों किसी भी काम को करने से पहले उस बारे में गहरी जानकारी जरूर लें। आपको बता दें कि इससे बहुत अच्छे नतीजे आपको हासिल होंगे। घर में सुधार और नवीकरण की योजनाएं बनेगी। बच्चों को कोई उपलब्धि मिलने से उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा तथा अपने फ्यूचर के प्रति और अधिक ध्यान देने का मन करेगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी सावधानी को लेकर बात करें तो दोस्तों अपने अनावश्यक खर्चों को सीमित रखें, क्योंकि यह समय जो है अचानक ही कोई बड़ा खर्चा आपके सामने आ सकता है। प्रॉपर्टी अथवा गाड़ी संबंधित कोई भी लोन अपनी क्षमता से अधिक ना लें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। मामा पक्ष के साथ भी संबंधों को मजबूत बनाए रखने के लिए आपका सहयोग जरूरी होगा। और इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके लिए समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि पुरानी बातों को छोड़कर नए जीवन की तरफ देख पाना आपके लिए संभव हो सकता है। योग थेरेपिस्ट्स की मदद से भावनात्मक का जो है उलझन कम होगी। आपको बता दें कि मित्र द्वारा मिला सहयोग आपका आत्मविश्वास भी यह समय बढ़ाने वाले हैं। पैसे से संबंधित तकलीफ को दूर करने की आपकी कोशिश जारी रहेगी। यश में अपनी जरूरत से अधिक खर्चा करने से आप बचें, ये आपके लिए यश में बेहतर साबित होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यशमय आपके लिए समय होंगे। आपको बता दें कि दोस्तों रचनात्मक तथा रुचिपूर्ण कार्य में भी कुछ अपना समय व्यतीत करें, इससे दोस्तों आपको खुशी मिलेगी, मानसिक रूप से भी रिलैक्स महसूस करेंगे। यह समय कुछ चुनौतियां भी आपके सामने आने वाली है, परंतु आप पूरे आत्मविश्वास द्वारा उन्हें स्वीकार भी करेंगे और सफलता भी इनमें हासिल करेंगे। बशर्ते दोस्तों हर कार्य में आपको सावधानी रखने की जरूरत होगी। युवा वर्ग किसी बात में आकर कोई गलत काम न करें या फिर गलत मार्ग न अपनाएं। दोस्तों यह समय आपके लिए आपके पास योजनाएं तो बहुत आएंगी या फिर बहुत योजनाएं होंगी, इस बात को लेकर आप असमंजस में रहेंगे। विरोधियों की गतिविधियों को भी यश में नजरअंदाज ना करें, ये भी आपके लिए आवश्यक होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यश में परिवार से संबंधित कोई भी निर्णय लेते समय आपकी भूमिका परिवार के लोगों के लिए महत्वपूर्ण रहेगी। ये जो समय है आपके लिए, आपकी इच्छा शक्ति प्रबल होने के कारण कठिन कामों को भी आसानी से आप कर पाएंगे। करीबी लोगों के साथ थोड़ा सौम्य बर्ताव रखने की आपको आवश्यकता होगी, तो इन पर जरूर ध्यान दें। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे। आपको बता दें कि दोस्तों आप अपने व्यक्तित्व और कार्य प्रणाली को और बेहतर बनाने का प्रयास करते रहेंगे। ग्रह स्थितियां यश में आपके लिए उत्तम है और आपके लिए बेहतर परिस्थितियों का निर्माण कर रही है। दोस्तों घर में किसी नवीन वस्तु की खरीदारी संबंधी कार्य भी हो सकते हैं तथा कार्य सुचारू रूप से संपन्न भी हो सकते हैं। इनसे दोस्तों आपका आत्मविश्वास भी यह समय बढ़ने वाले हैं। व्यर्थ की गतिविधियों में अपना समय नष्ट ना करें। यह समय चल रहे उचित समय का भरपूर सदुपयोग करने का समय होगा। तो दोस्तों यश में बिल्कुल भी फालतू चीज़ों पर ध्यान न दें और इन अपने महत्वपूर्ण कामों में ध्यान को केंद्रित रखें। आपको बता दें कि अपने किसी नजदीकी संबंधों की सलाह गलत भी साबित हो सकती है। बेहतर होगा कि स्वयं ही अपने कार्यों को संपन्न करने का आप प्रयास करें। और इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे। दोस्तों आपको बता दें कि आप पर बने हुए कर्ज को मिटाने की आपकी कोशिश प्रगति को और बढ़ रही है। फिर भी दोस्तों खर्चों पर नियंत्रण लाने की आपको आवश्यकता होगी। घर से संबंधित नए खर्चे अचानक से उत्पन्न हो सकते हैं, फिर भी दोस्तों पैसा खर्च करते समय आप अपने जीवन शैली को बेहतर बनाने के लिए पैसा खर्च कर रहे हैं या फिर मौज मस्ती करने के लिए, इस बात पर ध्यान दें। और इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके लिए समय होंगे। दोस्तों आपको बता दें कि किसी सामाजिक सेवी संस्था से जुड़ने तथा उसमें अपना सहयोग देने में यह समय अधिकतर समय व्यतीत होगा। अगर घर परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो दोस्तों उसके लिए योजना बनाने के लिए उत्तम समय होगा। युवाओं को अपनी मेहनत का शुभ परिणाम भी यश में मिलने वाले हैं, तो दोस्तों चिंता करने की यश में आपको आवश्यकता नहीं है। ध्यान रखें कि आपके अहम की वजह से आपके कुछ बनते कार्य भी बिगड़ सकते हैं, तो इस बात का ध्यान रखें। साथ ही दोस्तों भाइयों के साथ ही कोई मनमुटाव की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। समझदारी तथा शांतिपूर्ण तरीके से काम लेने का प्रयास करें, इनसे दोस्तों आप परिस्थितियों को ठीक कर पाएंगे। विद्यार्थी अपनी पढ़ाई पर और अधिक ध्यान दें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों यश समय फिलहाल आपके काम आसानी से हो रहे हैं। आपको बता दें कि आपके आसपास सकारात्मक ऊर्जा भी यश में बनी हुई है, फिर भी दोस्तों आप परिस्थिति का पूरा फायदा उतना नहीं उठा पा रहे हैं जितना आप सोच रहे थे।
खुद के जीवन के प्रति अधिक फोकस बढ़ाने की यश में आपको आवश्यकता होगी। दूसरों की मदद करने से पहले अपने काम को पूरा करना आपको यश में सीखना होगा। और इसके उपरांत दोस्तों, यश में अगर आपकी करियर को लेकर बात करें अर्थात आपके व्यवसाय की, तो दोस्तों व्यापार संबंधी गतिविधियों का और अधिक प्रचार प्रसार करना जरूरी है। प्रभावशाली नए संपर्क भी बनेंगे। यश में मार्केटिंग तथा इनसे संबंधित गतिविधियों पर अधिक ध्यान दें और लोगों के साथ मेलजोल बढ़ाएं। दोस्तों यश में ये आपके करियर के लिए यश में बेहतर साबित होंगे। और इसके उपरांत दोस्तों, यश में अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें अर्थात आपके पारिवारिक जीवन की, तो दोस्तों यश में पति पत्नी के संबंधों में कुछ मतभेद रहेंगे, परंतु दूसरों से उम्मीद करने के बजाय अपने स्वभाव में ही बदलाव लाना आपके लिए जरूरी होगा। दोस्तों यश में प्रेम संबंधों में निधियाँ भी बनी रहेंगी। और इसके उपरांत दोस्तों, यश में अगर आपकी स्वास्थ्य यानी सेहत को लेकर बात करें, तो दोस्तों यश में वंशानुगत बीमारी संबंधी पुराने रोग दोबारा उठ सकते हैं। इसलिए दोस्तों यश में लापरवाही बिल्कुल ना बरतें और व्यवस्थित दिनचर्या रखें, ये आपके स्वास्थ्य के लिए यश में बेहतर साबित होंगे। तो आए दोस्तों बात करते कि यश में आपको अपने जीवन काल में कौन से उपायों को करना चाहिए। दोस्तों यश में आप थोड़ा सा कच्चा सूत लेकर उसे केसर से रंग कर अपने व्यापारिक स्थल पर बांध दें। व्यापार बहुत ही तेजी से बढ़ने लगेगा। नौकरी करने वालों व्यक्ति के लिए ये जो चीज़ है बहुत ही अच्छा है। मेज की दराज पर अलमारी या फिर अपने कार्य संबंधी वस्तु में इन्हें बांध सकते हैं, जो कि दोस्तों आपके लिए बहुत ही आवश्यक होंगे। शायद दोस्तों घर के पूजा स्थान में जब भी आप पूजा करते हो दोस्तों, उनका थोड़ा सा गंगा जल अपने घर के द्वार पर छिट दें। दोस्तों यह छिटा आप सभी के जीवन काल में आपको नजर दोष से मुक्त रखेंगे। जीवन काल में जो भी वृद्धि है वो आपके घर प्रवेश करेंगी। तो दोस्तों यह उपाय को करें। साथ ही दोस्तों और इसी जानकारी के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। आप सभी का दिन समय शुभ रहे। धन्यवाद।